हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं विक्रम कुमार 35 पर आज की वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो इस प्रकार है कि हमारे भारत देश में दलित, शोषित, वंचित, मूल निवासी लोगों की जीवनी पर बनी फिल्मों के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, फिल्मी जीवन का आईना होता है। पिक्चरों को देख करके लोग अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं। पिक्चरों को देख करके लोग प्रेरित होते हैं। दोस्तों, बहुजन समाज के लोगों का जीवन बदलने के लिए या फिर बहुजन समाज की सामाजिक दशा या आर्थिक और शैक्षणिक दशा को दिखाने के लिए कई फिल्में बनाई गई, जिसको आप लोगों को जानना ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 10 फिल्मों के बारे में जानने का काम करेंगे और इन फिल्मों को देख करके आप प्रेरित होंगे। तो दोस्तों, पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। साथियों, बहुजन समाज पर जो पहली मूवी आई थी वह आज़ादी से पहले ही आ गई थी, 1936 ईस्वी में। उस फिल्म का नाम था अच्युत कन्या, जो कि एक लव स्टोरी की मूवी थी। इसके डायरेक्टर हिमांशु राय, जिसको मुंबई टॉकीज में दिखाया गया था। साथियों, इस फिल्म में जो लड़की थी वह अच्युत जाति की थी, क्योंकि उस समय भारत का संविधान नहीं लिखा गया था, इसलिए इस देश दलित, शोषित, वंचित लोगों को अच्युत और अस्पृश्य कहा जाता था। इसलिए इस फिल्म में जो लड़की थी वह अच्युत थी और जो लड़का था वो ब्राह्मण जाति का था, और दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन जो जातिवादी मानसिकता के लोग थे वह अच्युतों को सिर्फ भोग और विलास की वस्तु समझते थे। वहाँ पर एक अच्युत लड़की से एक ब्राह्मण लड़के की शादी कैसे हो सकती थी, इस मूवी में दिखाया गया है। दोस्तों, दूसरे नंबर पर जो मूवी थी वह थी भगवान तथागत गौतम बुद्ध के ऊपर बनी थी। मूवी का नाम था अंगुलीमाल, और इस मूवी के माध्यम से पहली बार तथागत गौतम बुद्ध ने पंचशील और तीसरण दिया था। दोस्तों, तीसरी मूवी जो दलितों पर बनी थी, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक के उत्थान के लिए फिल्म बनाई थी, जिसके डायरेक्टर थे राज कपूर साहब। उस फिल्म का नाम था बूट पॉलिश, और इस मूवी में दिखाया गया है कि जो एक बूट पॉलिश करने वाला होता है वह कैसे अपने जीवन में संघर्ष करता है, एक दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित की दशा क्या होती है, यह दिखाया गया है। चौथी फिल्म थी सुजाता, जो एक लव स्टोरी मूवी थी। इसमें बाबा साहेब अम्बेडकर के मिशन को दिखाया गया है, जो बाबा साहेब को चाहते थे कि जाति तोड़ो आंदोलन और जाति तोड़ने के लिए बेटी रोटी का संबंध बनाना पड़ेगा। दोस्तों, पांचवी मूवी है दोस्तों विद्या। इस मूवी में एक्टिंग देवानंद जी ने की है, और इसमें बाबा साहेब का जो मिशन था शिक्षित बनो दिखाया गया है। दोस्तों, जब देवानंद जी जब कॉलेज में पढ़ने जाते हैं तो लोग इन्हें चमार चमार करके अपमानित करने का काम करते हैं और जाति चूचक गालियां देते हैं, जिसकी वजह से देवानंद जी की मानसिक स्थिति कैसी हो गई थी इस मूवी में दिखाया गया है। छठी मूवी है नीचा नगर। दोस्तों, इस मूवी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, और यह मूवी ऐसी मूवी थी जिसको इंटरनेशनल अवार्ड मिला। दोस्तों, इसके डायरेक्टर थे चेतनानंद जी। इस मूवी में दिखाया गया है कि जो गांव की जो बस्तियां होती है वह दो तरह की होती है, एक जो नीची जाति की बस्तियां होती है वह गांव से दूर होती है, और बड़ी जाति के लोगों की बस्तियां गांव में ही होती है, जो कि बहुजन समाज की बस्ती है और जो ब्राह्मणों की बस्ती है। दोनों के बीच में संघर्ष होता है, और इस संघर्ष में दलित समाज के लोग विजयी हो जाते हैं, जीत जाते हैं। सातवीं मूवी है दोस्तों जबरदस्त गुलामी, जिसके डायरेक्टर थे जीपी दत्ता जी। इस मूवी में बहुजनों की पूरी स्थिति को दिखाया गया है,
कि किस तरीके से कुएं से पानी भरने से रोक लगाई गई, मंदिर प्रवेश पर रोक लगाया गया था, यहाँ तक कि शादी और विवाह में घोड़ियों पर बैठने नहीं दिया जाता है। दोस्तों, इस मूवी में धर्मेंद्र ने काम किया है और ठाकुरों के अन्याय से परेशान होकर धर्मेंद्र ने पहली बार बंदूक उठाया था और ठाकुरों को मारना शुरू कर दिया। दोस्तों, आठवीं नंबर की मूवी है, वह एक रियल घटना पर आधारित है। इस फिल्म का नाम है बेंडिन क्वीन, जो फूलन देवी के जीवन संघर्ष को दिखाया गया है। दोस्तों, ठाकुरों ने फूलन देवी के साथ अन्याय, अत्याचार और सामूहिक बलात्कार किया था, जिसको उनको कानून से न्याय नहीं मिलता है। इसके बाद वह डाकू बन जाती है। डाकू बनने के बाद उन 22 ठाकुरों को एक लाइन में खड़ा करके गोली मार दी जाती है। यह एक रियल घटना है। 90 नंबर पर है लगान। इस पिक्चर का बहुत से लोगों ने देखा होगा। दोस्तों, यह पिक्चर सामाजिक भेदभाव का दिखाता है। इस मूवी में काम किया है आमिर खान ने। और दसवें नंबर की मूवी है, फिल्म है आरक्षण की। अमिताभ बच्चन, सिपली खान, दीपिका पादुकोण ने अभिनय किया है, जिसमें अमिताभ बच्चन एक स्वर्ण समाज के प्रिंसिपल रहे हैं। सिपली खान ने दलित स्टूडेंट का रोल किया है और दलितों को आरक्षण की किस प्रकार जरूरत है यह दिखाया गया है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।